नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। जी हाँ, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। जमीन का अधिकरण जो है शुरू हो चुका है। गया से नालंदा व पटना के कच्ची दरगाह, हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होते हुए दरभंगा के बेला नवादा में NH पर जाकर के मिल जाएगा। नालंदा सहित 239 से अधिक गांव के दिन बहुत सवरने वाले हैं। यहां के लोग अब सीधे दक्षिण बिहार से जुड़ जाएंगे। सूबे में बनने वाला, मतलब बिहार में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा 4-लेन हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे वो नालंदा से भी गुजरेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस सड़क को नेशनल हाईवे D-119 का नामकरण किया है। गया के पास आमस से जहानाबाद, नालंदा और पटना के कच्ची दरगाह, हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होते हुए दरभंगा के बेला नवादा के पास NH-27 में जाकर मिल जाएगा। NHI 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। आपको बता दें, जमीन का अधिकरण जो है वो शुरू हो चुका है। इसके लिए NHAI ने जिला को 12 करोड़ से अधिक राशि जो है उपलब्ध कराए हैं। एक्सप्रेसवे की पूरी परियोजना ग्रीनफील्ड यानी नई सड़क बनके तैयार होगी। इसके लिए 60 मीटर चौड़ाई में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। सूबे के 7 जिलों के 239 गांवों में इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। 1363 एकड़ जमीन सड़क परियोजना के लिए चाहिए। कुल गाँव में से 222 राज्य गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज का प्रकाशन किया जा चुका है। जल्द ही भुगतान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, 4 फेज में होगा काम। पहले फेज में आमस से शिवरामपुर तक सड़क बनेगा। उसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर पर 1073 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरे फेज में शिवरामपुर से रामनगर तक की जो सड़क की लंबाई होगी वो 54.30 किलोमीटर पर 1066 करोड़ से अधिक राशि खर्च होंगे। तीसरे फेज में कल्याणपुर से पाल दशहरा के 45 किलोमीटर पर 1150। चौथे पैकेज में पाल दशहरा से बेला नवादा दरभंगा तक 44.10 किलोमीटर पर 1500 जमीन का मुआवजा भुगतान किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरा करा लेने का लक्ष्य रखा गया है। आमस दरभंगा 4-लेन के लिए भूमि अर्जन का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।